मध्य प्रदेश के शिवपुरी इलाके से आई एक सीसीटीवी तस्वीर जिसमें सांसद और पूर्व भाजपा अध्यक्ष नंद कुमार सिंह चौहान टोल नाके के कर्मचारी को जमकर पीटते नजर आ रहे हैं। टोल नाके के कर्मचारी का कसूर सिर्फ ये था कि उसने टोल नाके से गुजर रहे सांसद से परिचय पत्र मांग लिया था। इसके बाद आगे जो कुछ भी हुआ वो टोल नाके के सीसीटीवी कैमरे में कई एंगल से कैद हो गई है। देखिए रिपोर्ट। सीसीटीवी की ये वो तस्वीरें हैं जिन्होंने मध्य प्रदेश की राजनीति में बवाल मचा दिया है। आज से पहले आपने कई बार ऐसी तस्वीरें देखी होंगी जिसमें टोल नाके पर पर्ची मांगे जाने या फिर आइडेंटिटी कार्ड दिखाने के नाम पर गाड़ी रोकी जाती है तो लोगों का गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच जाता है और अक्सर ऐसी ही मारपीट हो जाती है। लेकिन मध्य प्रदेश के शिवपुरी इलाके से आई ये तस्वीर जरा ठीक से देखिए। एक हाथ में इस टोल नाके के गरीब कर्मचारी का कॉलर पकड़े जनाब हैं कौन? जी हां, बिल्कुल सही पहचाना आपने, ये मध्य प्रदेश भाजपा के पूर्व अध्यक्ष और दबंग सांसद नंद कुमार सिंह चौहान हैं। नहीं नहीं, बात सिर्फ कॉलर पकड़ने तक ही नहीं है, अब जरा आगे भी ये देख लीजिए कि कैसे हाथ जोड़े शख्स पर पहले वो तमाचे जड़ते हैं और फिर खींचते घसीटते उसे बाहर से भीतर टोल नाके के दफ्तर तक ले जाते हैं। ये सारा कुछ हो रहा है कोलारस के पूरन खेड़ी टोल नाके पर, जहां से गुजरते वक्त टोल नाके के इस कर्मचारी ने सांसद महोदय से उनका परिचय पूछकर आईडी कार्ड मांग लिया। फिर क्या था, नेताजी को गुस्सा आ गया और फिर जब नेताजी गुस्सा आए तो उनके चमचे और सुरक्षा में तैनात इन जवानों को भी तमतमाना ही था। सब एक साथ मिलकर कर्मचारी पर टूट पड़े, कोई पीछे से लात मार रहा था तो कोई धक्का दे रहा था, कोई अपनी ओर घसीट रहा था तो कोई भीड़ में एक हाथ अपना भी जमा लेना चाहता था। लेकिन हद तब हो गई जब खुद को जनता का नुमाइंदा बताने वाले सांसद नंद कुमार सिंह चौहान खुद आगे बढ़े और इस शख्स का कॉलर अपने हाथ में दबोच लिया। इस पूरे घटनाक्रम के दौरान बेचारा टोल नाके का कर्मचारी गिड़गिड़ाता रहा, मार खाते वक्त भी उसके दोनों हाथ जुड़े ही रहे और वो माफी मांगता रहा, लेकिन बेरहम बेगैरत सियासत उसे और उसके आत्मसम्मान को लात घूंसे से रौंदती रही। गरीब कर्मचारी ने नेताजी के पैर भी छुए मगर सांसद तो पिघलने के मूड में ही नहीं थे। वो तो मामला तब सुलझा जब मीडिया के कुछ लोग वहां पहुंच गए। सत्ता के नशे में चूर सांसद के इस घटियापन से मध्य प्रदेश की राजनीति एक बार फिर शर्मिंदा हुई है, मगर इसके साथ ही आरोपों और सफाई की सियासत भी शुरू हो गई है। वीरेंद्र राठौर, IBC 24, शिवपुरी। तो देख लिया आपने कि तस्वीरें ही पूरी घटना बयां कर रही है कि टोल नाके पर आखिर हुआ क्या था। इस सीसीटीवी तस्वीर के सामने आने के बाद मध्य प्रदेश की सियासत भी गर्म हो गई है। कांग्रेस को बैठे बिठाए मुद्दा मिल गया और वो कह रही है कि सिर्फ 10 रुपए के लिए एक भाजपा सांसद ऐसा भी कर सकता है। वहीं बीजेपी अपने नेता के बचाव में उतर गई है, उसका कहना है कि नंद कुमार सिंह चौहान पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं और वो ऐसा नहीं कर सकते। वहीं नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह ने भी ट्वीट करके निशाना साधा है। अजय सिंह ने नंद कुमार सिंह पर तुरंत FIR दर्ज करने की मांग की है। अब जब जनता के सेवक कहलाने वाले नेता खुद ही कानून हाथ में लेकर खुलेआम गुंडागर्दी कर रहे हैं और उनकी पार्टी के लोग बचाव में उतर गए हैं तो फिर समझा जा सकता है कि मध्य प्रदेश में सियासत कैसे हो रही है। मुझे इसकी कतई जानकारी नहीं है, लेकिन मैं दृढ़ता के साथ ये कह सकता हूं कि आदरणीय नंदू भैया जो है सरल है, सहज है और सुसंस्कृत पार्टी के एक जवाबदार नेता है। वो कतई जो है इस प्रकार का नहीं कर सकते जिस प्रकार का कि जो है आप लोग मुझे बता रहे हैं, और इससे ज़्यादा मेरे नेता के बारे में मैं क्या कह सकता हूँ। ये तो हमारे संस्कार सवाल ही पैदा नहीं होता कि हम इस प्रकार का कोई काम करें। केवल 10 रुपए के टोल के पीछे उस टोल में और उस सड़क निर्माण में जिसमें हजारों रुपए का भ्रष्टाचार पहले ही उनकी पार्टी के नेता कर चुके हैं, अगर सुरक्षा कर्मियों से मारपीट करते हैं तो ये बड़े शर्म की बात है। मध्य प्रदेश के नागरिक होने के नाते हम सबका सर शर्म से झुक जाता है कि कैसी पार्टी के कैसे सुसंस्कारित लोगों को हमने यहाँ पर शासन चलाने की जवाबदारी सौंप रखी है।